लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या वहाँ हमें ढेर सारे फल मिलेंगे? कुंती, अब तुम्हारा वनवास समाप्त हो चुका। यदि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सबको किंदम ऋषि के आश्रम से यहाँ हस्तिनापुर लाकर हमने कोई भूल की है, तो ये हमारी भूल नहीं थी पुत्रवधु, तुम वचनबद्ध थे। राजकुमार अर्जुन की। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव पौत्र, पौत्र युधिष्ठिर, तुम्हारे युवराज बनाए जाने के समाचार ने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। वारणावत से तुम्हारे लौटने के पश्चात मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें राज मुकुट पहनाकर तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। तुम सबकी आकस्मिक मृत्यु पर हमें अत्यंत दुख है। ईश्वर तुम सबकी आत्मा को शांति दे। स्वामी, यदि ये सत्य है तो ये सत्य सुनने से पूर्व मुझे मृत्यु क्यों ना आ गई? शांत हो जाओ गांधारी, शांत हो जाओ। मैं मर क्यों ना गई स्वामी? विलाप और क्रंदन किसी समस्या का समाधान नहीं होते गांधारी, दुख तो हमें भी है। प्रिय पांडव पुत्रों एवं कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर मानो दुख का पर्वत आ गिरा हो, परंतु करूं भी तो क्या करूं? आप सम्राट हैं स्वामी, आपके राज्य में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई और आप विवशता भरी बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता स्वामी। मैं कर ही क्या सकता हूं गांधारी, मैं कर ही क्या सकता हूं। आप सत्यता का पता लगाइए स्वामी, पता लगाइए कि ये मात्र एक दुर्घटना थी या योजनाबद्ध कोई षड्यंत्र, इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये जानना आपका उत्तरदायित्व है स्वामी।
आप अपना उत्तरदायित्व निभाइए। दुर्घटनाओं पर किसी का वश नहीं होता गांधारी। आप इस तरह से मौन रहेंगे स्वामी तो हजारों प्रश्न एक साथ खड़े हो जाएंगे, शंकाओं और आशंकाओं के चर्चे होने लगेंगे। स्वामी यदि आपने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया तो सोचिए क्या आने वाला युग आपके दायित्व पर उंगलियां नहीं उठाएगा। गांधारी, क्या आपकी प्रजा आपकी निष्ठा पर संदेह नहीं करेगी? स्वामी इस दुर्घटना की पृष्ठभूमि में जो भी है उसे दंड मिलना ही चाहिए, उसे दंड मिलना ही चाहिए स्वामी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, कितनी क्रूरता से मार डालने की योजना थी। राज सिंहासन के लोभ ने एक भाई को दूसरे भाई के रक्त का प्यासा बना दिया है। हस्तिनापुर का कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। मुझे तो ये सब ताजश्री को बता देना चाहिए। ताजश्री को हस्तिनापुर में होने वाले हर षड्यंत्र का पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं विदुर, अभी इन सब बातों को गुप्त ही रखना होगा। ताजश्री कितने आहत होंगे ये सब सुनकर, और महाराज महाराज तो संभवतः इस सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देंगे और अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की बातों में आ जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें? वही करना चाहिए जो राज्य के पक्ष में हो, न्याय के पक्ष में हो और प्रजाजनों के हित में हो। यही महामंत्री का दायित्व है। उचित समय आने पर ही इस षड्यंत्र की गुप्तता को भंग करना होगा। अभी नहीं, अभी तो न जाने ऐसे कितने घिनौने षड्यंत्र को देखना होगा, सुनना होगा। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए।